लेकिन राह चलती भी किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। योगी के बयान से अपराधियों में मची खलबली। सिंघम अवतार देख बिल में दुबके बड़े से बड़े अपराधी। रूह कपा देने वाले योगी के बयान से प्रदेश भर के मंचलों और अपराधियों में दहशत का माहौल। यूपी में किसी बहन बेटी को छेड़ा तो बुलडोजर बाबा का सिस्टम ऑन द स्पॉट करेगा सीधा एनकाउंटर। कान खोल कर सुन लो मंचलों, ये बुलडोजर बाबा का प्रदेश है, यहाँ अपराध का नामो निशान मिट जाता है। जी, यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ यानी बुलडोजर बाबा अपने ऑन द स्पॉट फैसलों के लिए जाने जाते हैं। योगी बाहुबली माफिया गुंडे बदमाशों के लिए काल माने जाते हैं। योगी राज में पूरा प्रदेश अपराध और अपराधियों के लिए काल बना है। योगी ने बीते 6 साल के अंदर जिस तरीके से यूपी का नक्शा बदला है, उससे सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश योगी को सलाम करता है। योगी अपने प्रदेश में रामराज स्थापित कर रहे हैं। कभी देश का सबसे बड़ा सूबा यानी उत्तर प्रदेश सिर्फ गुंडे माफियाओं बाहुबली बदमाशों के लिए जाना जाता था, लेकिन जब से योगी ने प्रदेश की सत्ता संभाली है तब से अपराध का नामो निशान मिटा दिया है। बड़े बड़े बाहुबली माफियाओं जिनकी कभी तूती बोला करती थी, आज या तो वो जेल में सड़ रहे हैं या परलोक सिधार चुके हैं। वहीं बाकी अपराधी या तो प्रदेश छोड़ चुके हैं या तो सुधर कर कोई छोटा मोटा रोजगार कर रहे हैं। इस बीच प्रदेश में एक बेटी के साथ हुई शर्मनाक घटना पर सीएम योगी के एक बयान ने प्रदेश भर में सनसनी मचा दी है। हर तरफ खलबली मच गई है। एक बार फिर से योगी ने अपराधियों को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे प्रदेश के अपराधी डर के मारे थरथर कांप रहे हैं और दूसरे प्रदेश भाग रहे हैं। दरअसल हाल ही में अम्बेडकर नगर जिले में एक बेटे के साथ बड़ी घटना हुई, जहां छेड़छाड़ के दौरान दुपट्टा खींचे जाने से 11वीं क्लास की एक छात्रा सड़क पर गिर जाती है और उसी वक्त मोटरसाइकिल की चपेट में आने से उसकी मौत हो जाती है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसके बाद इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आती है। घटना के कुछ ही घंटे बाद लोकल पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शहबाज और दुपट्टा खींचने वाले उसके भाई अरबाज के रूप में होती है। वहीं मोटरसाइकिल चलाने वाले तीसरे आरोपी की पहचान फैजल के रूप में होती है। वहीं जैसे ही इस घटना की पूरी खबर सीएम योगी तक पहुंचती है, वैसे ही योगी गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और प्रदेश के अपराधी मंचलों को सिंघम अवतार में चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अगर राज्य में कोई महिला उत्पीड़न जैसा अपराध करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहे होंगे। पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती भी किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। रूह कपा देने वाली और अपराधियों के अंदर खलबली मचा देने वाली इस बयान ने पूरे प्रदेश भर को हिला दिया। बताते चले कि गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने यूपी के कानून पर कहा कि कानून को बंधक बनाकर व्यवस्था में सेध लगाने का प्रयास करने की इजाजत किसी को नहीं है। कानून सुरक्षा के लिए है, लेकिन यदि किसी ने बहन बेटी के साथ छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर उस शोहदे का इंतजार यमराज कर रहे होंगे। उसे यमराज के यहाँ भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। हमें सुरक्षा के बेहतरीन वातावरण देना होगा। कानून संरक्षण के लिए है और कानून को बंधक बनाकर कोई किसी की सुरक्षा में सेध लगाने का प्रयास नहीं करे। योगी का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। योगी के इस बयान का साफ मतलब है कि कोई भी किसी भी तरीके से प्रदेश की बहन बेटी को छेड़ा या जरा सा भी हाथ लगाने की कोशिश की तो बिना सोचे या देरी किए यूपी का कानून सीधा एनकाउंटर करेगा। सीएम योगी के बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर दिए गए इस बयान को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके भी हमें बताएं। और देखते रहें हेडलाइंस इंडिया।